जय संतोषी माँ। खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है लड़की। संतोषी माता का नाम मत ले, सीधे घर के बाहर हो जाएगी। हाथ के आनंद की तो सीमा ही नहीं है, आनंद के अनुभव का चरम उत्कर्ष है ये दृश्य। जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ, जय संतोषी माँ। ये आखिरी वाला मोती टेबल के नीचे से कैसे उठाएगी? जय संतोषी माँ। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। संतोषी माँ, मदद कीजिए हमारे। जय संतोषी, जय संतोषी। संतोषी अब तो गए। अब 50 कोड़े खाने के लिए तैयार हो जा संतोषी माता की भक्त। जय संतोषी, जय संतोषी। संतोषी, एक बार फिर तुमने अपने भक्ति की शक्ति दिखा दी। संतोषी माँ, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने अपनी बच्ची की रक्षा की। गई मन को शांति। संतोषी को परेशान करके आखिर तुम्हें मिला क्या?
धैर्य, जो हुआ सो हुआ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। छोड़ो ये सब, आप लोग भी जाइए अपने कमरों में। चलो। अब तो आपको विश्वास हो गया होगा हमारी संतोषी माँ की शक्ति पर। जानते हैं, हमने ये सब आपको भरोसा दिलाने के लिए ही किया, और हमारे इस परीक्षा में हमारी संतोषी माँ हमारे साथ थी। तो बहुत खुशी हो रही ना तुम्हें तुम्हारी इस जीत पे? ना, ये जीत नहीं है हमारी, ये तो हमारे सच्चाई, हमारे श्रद्धा और हमारी संतोषी माँ की कृपा का परिणाम है। इतना घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है तुमने। हम तो जानते कि ये सिर्फ और सिर्फ कृपा की वजह से हुआ है। लेकिन ये तुम्हारी संतोषी माँ की कृपा नहीं, हमारी क्रांति माँ की कृपा है। उस दिन तुम्हें क्रांति माता के दर्शन हो गए, ये उसकी वजह से हुआ है कि तुम इस परीक्षा में सफल हुई हो। भाभी सही कहा आपने, जीत सिर्फ और सिर्फ क्रांति माँ के आशीर्वाद से हुई, वरना ये इन दो टके के नौकरों के लिए तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलो यहाँ से। सही कहा भाभी, लेट्स गो गाइस, कम ऑन। चलो बेटी, इनकी बातों की तरफ ध्यान मत दो। अरे झूठी शान रखने वाले लोगों को सच्चे मन की भक्ति कहां से समझ में आएगी? तुम अपनी संतोषी मां को धन्यवाद दो, भगवान करे उसकी कृपा हमेशा तुम पर रहे। हेलो हेलो संतोषी। हाँ रुकिए एक मिनट। संतोषी जी, पुष्पा जी, तुम्हारे लिए कॉल है, जल्दी आओ। जी हमारे लिए फोन किसका है? और किसका होगा, तुम्हारे घर से चाचा जी का है। लो चाचा जी का फोन यहाँ। तुम्हारे घर वाले ना कमाल है, काम पे भेज देते और फिर फोन करते रहते ताकि लड़की काम चोरी कर सके। हेलो चाचा। अरे बिटिया सब खत्म हो गया रे, हम बर्बाद हो गए रे। चाचा रो क्यों रहे, सब ठीक है ना? अरे कुछ भी ठीक नहीं है, हमारी पूरी दुनिया लुट गई है, हमारी नौकरी चली गई बेटा। क्या कैसे? उस ससुरे कल्लू ने हम पे बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई, गुड्डू को भेजे थे 2-3 दिन की छुट्टी मांगने के लिए, लेकिन उसने हमें नौकरी से ही निकाल दिया बेटा। हमारे तो दिल धड़क रहा है, फटने को हो रहा है कि पूरा महीना कैसे चला है, कैसे भूखों मर जाएंगे बिटिया। चाचा संतोषी बिटिया जी, तुम तो इतने बड़े घर में काम करती हो, अमीर लोगों को तो हर काम के लिए किसी की जरूरत पड़ती है, हमारा भी कोई जुगाड़ कर दो ना। हम छोटे से छोटा काम कर लेंगे संतोषी बिटिया, हम कुछ भी कर लेंगे, हमको बस नौकरी दिलवा दे। चाचा हम हमारे लिए बात करेगी ना? देख संतोषी बिटिया, तुझे अपनी संतोषी माँ का वास्ता। हाँ हाँ चाचा हम बात करेंगे, हमें थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ बेटा जितना समय लेना है ले लो, लेकिन इतना भक्ति मत लेना। हाँ नहीं तो तुम्हारे चाचा बेरोजगारी में परेशान होकर कुछ कर ना ले। चाचा कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा सोचिएगा भी नहीं, संतोषी माँ सब ठीक करेंगे। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।